हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भूगोल कथा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार एंड अदर स्टेट से वैकेंसी की डिटेल्स लेकर के आई हूँ। 10 वैकेंसीज मैं प्रीवियस वीडियो, दैट मीन्स पार्ट वन वीडियो में कवर कर चुकी हूँ आप लोगों के लिए। पार्ट टू वीडियो में मैं बाकी वैकेंसीज कवर करूँगी, वॉक इन इंटरव्यू देकर के आप लोग यहाँ पे सिलेक्टेड हो पाओगे। 7th पे कमीशन के हिसाब से कुछ कुछ स्कूलों में वैकेंसी की डिटेल्स आई हुई है। 7th पे कमीशन के हिसाब से आप लोगों को सैलरी दिया जाएगा कुछ स्कूलों में। ऑल इंडिया स्टेट से आप लोग अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए चलते बाकी वैकेंसीज की डिटेल्स चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वैकेंसी की डिटेल्स मैं कवर करूँगी दोस्तों, वो है दिल्ली पब्लिक स्कूल से, जो कि एक CBSE स्कूल है दोस्तों। कलवा नदी रोड, तीसरी गिरिडीह इसका लोकेशन हो जाएगी। करने डिटेल्स दिया गया है, ईमेल आईडी आप लोग नोट कर लीजिए। एंड फर्दर डिटेल्स के लिए www.dpstisri.com पे आप लोग जा सकते हो। यहाँ पे रिक्वायरमेंट है TGT साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए TGT SST, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के लिए रिक्वायरमेंट है TGT इंग्लिश, PRT इंग्लिश, SST साइंस, कंप्यूटर, GK, स्पोर्ट्स टीचर, म्यूजिक टीचर, ये सब के लिए रिक्वायरमेंट है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे रेस्पेक्टिव वे में रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन दिया गया है, जैसे कि TGT साइंस के लिए आप लोगों का BSc और MSc होनी चाहिए है विद BEd और DLED एंड हैज़ एक्सपर्टाइज इन एनी वन सब्जेक्ट बोला गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट में आप लोगों को ऑनर्स और एक्सपर्टाइजेशन होनी चाहिए है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस का। ठीक है, एंड आप लोगों को ये जो मेल आईडी दिया गया है, जल्द से जल्द सारा डिटेल सेंड कर देनी पड़ेगी आप लोगों का एकेडमिक क्रेडेंशियल्स का। वी आर हायरिंग डेडिकेटेड टीचर्स ईगर टू मेक अ डिफरेंस, द रिक्वायरमेंट लिस्ट आर एज फॉलोज बोला गया है यहाँ पे दोस्तों। आप लोग फर्दर डिटेल्स के लिए यहाँ पे कॉल कर सकते हो एंड रिज्यूमे एंड कवर लेटर सेंड कर सकते हो ये dps3@gmail.com पे। ठीक है, फर्दर डिटेल्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा दोस्तों। आप लोगों का प्रेफर स्टेट, लोकेशन एंड सब्जेक्ट मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये जो वैकेंसी की डिटेल्स आई हुई है दोस्तों, हॉली विजन इंटरनेशनल स्कूल से, जिसका लोकेशन हो जाएगा देवघर रोड, मिर्जागंज, जमुआ, गिरिडीह, झारखंड। यहाँ पे TGT इंग्लिश एंड साइंस, PRT ऑल सब्जेक्ट से रिक्वायरमेंट है। प्री प्राइमरी टीचर फीमेल ओनली बोला गया है, यहाँ से रिक्वायरमेंट है दोस्तों ये सब सब्जेक्ट से। सैलरी अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस एंड एफिशिएंसी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। ईमेल आईडी दिया गया है, मोबाइल नंबर्स नोट कर लीजिए आप लोग। कोई भी एक नंबर पे कॉल करके आप लोग फर्दर डिटेल्स पूछ सकते हो रिगार्डिंग द वैकेंसी। नेक्स्ट जो वैकेंसी है दोस्तों, मीड पब्लिक स्कूल से है। यहाँ पे इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर टीचर का रिक्वायरमेंट है। इंग्लिश में आप लोगों का फ्लुएंसी होना ज़रूरी है, इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए आप लोगों का। क्वालिफिकेशंस बोला गया है ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री, एडवांटेज फॉर बीएड, बीएड अगर आप लोगों का है तो ज़्यादा प्रेफरेंसेस आप लोगों को दिया जाएगा। एक्सपीरियंस यहाँ पे बोला गया है मिनिमम टीचिंग एक्सपीरियंस इन इंग्लिश मीडियम स्कूल ऑफ 2 to 3 years। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के पास सफिशियंट एक्सपीरियंस नहीं भी है फिर भी आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। एज दिया गया है 22 years एंड अबव। सैलरी बोला गया है इट्स नेगोशिएबल एज पर कैंडिडेट्स क्वालिटी। लॉजिंग एंड फूडिंग फैसिलिटी यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, झारखंड एंड बिहार की मैक्सिमम स्कूल्स में दोस्तों फूडिंग एंड एकोमोडेशन, फूडिंग एंड लॉजिंग का फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है। ये वैकेंसी की डिटेल्स झारखंड से आई हुई है दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा गूगल पे सर्च करके। पाकुर रोड, श्रीकंठ, अंधार कथा, झारखंड की वैकेंसी है। अर्जेंट रिक्वायरमेंट है दोस्तों यहाँ पे। mymidpss@gmail.com पे आप लोगों का रिज्यूम एंड कवर लेटर आप लोग सेंड कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, मीड पब्लिक स्कूल की वैकेंसी है दोस्तों, ये रेजिडेंशियल स्कूल है और डे कम रेजिडेंशियल स्कूल। ठीक है, कोएड एजुकेशनल स्कूल है दोस्तों। अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहो झारखंड में अप्लाई करने के लिए तो अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों का प्रेफर स्टेट, लोकेशन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट जो वैकेंसी है दोस्तों, ग्रीन प्लेटो पब्लिक स्कूल से है, जो कि एक CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल है। प्राइमरी टीचर्स का रिक्वायरमेंट है ओनली फीमेल टीचर्स का। एक्सेलेंट इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल आप लोगों का होनी चाहिए है। मिनिमम क्वालिफिकेशन बोला गया है DLED और BEd और CTET आप लोगों का होनी चाहिए। पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड बोला गया है। बालू, कोकोडोरो, काके रांची की वैकेंसी है। काके रांची झारखंड की वैकेंसी है दोस्तों ये। फ़ोन नंबर पर कॉल करके फर्दर डिटेल्स आप लोग पूछ सकते हो। फेसबुक ग्रुप आप लोग सर्च कर सकते हो। एंड ये जो ईमेल आईडी दिया गया है gppsrachi@gmail.com पे सारा डिटेल्स आप लोग सेंड कर सकते हो आप लोगों का एकेडमिक क्रेडेंशियल्स का।
सब्जेक्ट लाइन पे अपना नाम एंड पोस्ट का नाम आप लोग ज़रूर मेंशन कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वैकेंसी आई हुई है दोस्तों रिलायंस फाउंडेशन स्कूल से है, जिसका लोकेशन हो जाएगा मोती खावड़ी जामनगर, गुजरात की वैकेंसी है। बट दोस्तों यहाँ पे 7th पे कमीशन के हिसाब से आप लोगों को सैलरी दिया जाएगा। कम्पिटिटिव कम्पनसेशन पैकेज ऑन द लाइन्स ऑफ द 7th पे कमीशन रिकमेंडेशंस, एकोमोडेशन फॉर द डिजर्विंग आउटस्टेशन कैंडिडेट्स दिया जाएगा। तो आउटस्टेशन कैंडिडेट्स के लिए एकोमोडेशन का फैसिलिटीज भी प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। एंड रिलायंस फाउंडेशन स्कूल में बहुत ही अच्छी खासी सैलरी दिया जाता है, आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों। एंड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 7th पे कमीशन के हिसाब से आप लोगों को सैलरी दिया जाएगा। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, इंटरव्यू दे सकते हो दोस्तों। अगर आप लोग एलिजिबल हो एंड इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड हो तो इंटरव्यू देने जा सकते हो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी है रिलायंस फाउंडेशन स्कूल में, ठीक है। यहाँ पे रिकमेंड है दोस्तों वाइस प्रिंसिपल फॉर प्राइमरी स्कूल, हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस फॉर मिडिल स्कूल, असिस्टेंट हेडमास्टर और असिस्टेंट हेडमिस्ट्रेस फॉर प्री प्राइमरी स्कूल, असिस्टेंट हेडमास्टर और असिस्टेंट हेडमिस्ट्रेस फॉर प्राइमरी स्कूल, प्री प्राइमरी टीचर्स, प्राइमरी टीचर्स, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, रोबोटिक्स टीचर, एक्टिविटी टीचर्स, स्पेशल एजुकेटर्स, काउंसिलर्स, सीनियर लाइब्रेरियन, आईटी मैनेजर, आईटी एग्जीक्यूटिव, एचआर मैनेजर, ऑफिस असिस्टेंट, ये सब के लिए रिक्वायरमेंट है दोस्तों। कम्पिटिटिव कम्पनसेशन आप लोगों को यहाँ पे दिया जाएगा, पैकेज बोला गया है 7th पे कमीशन रिकमेंडेशंस। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कहा गया है www.rfs.edu.in, जामनगर पे जाकर के करियर सेक्शन में क्लिक करके आप लोग अप्लाई कर सकते हो। कुछ कुछ कैंडिडेट्स को अप्लाई करने में दिक्कत हो रही है दोस्तों, मैं एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि रिलायंस फाउंडेशन स्कूल, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, सेंट जेवियर स्कूल एंड अजीम प्रेमजी फाउंडेशन स्कूल्स में बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाता है टीचर्स को एंड सैलरी भी काफ़ी अच्छी दिया जाता है दोस्तों। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अदर स्टेट में आप लोगों को लोकेट करना ही पड़ेगा अगर आप लोगों को 7th पे कमीशन एंड अदर्स फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाए तो। अच्छी पोजीशन एंड अच्छी सैलरी के लिए दोस्तों आप लोगों को रिलोकेट करने के बारे में सोचना भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों एकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अच्छी वैकेंसी दोस्तों, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वैकेंसी आई हुई है रिलायंस फाउंडेशन स्कूल से ही है, आज ही की वैकेंसी है दोस्तों, ये नावी मुंबई की वैकेंसी है। यहाँ पे हेडमिस्ट्रेस फॉर प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी स्कूल, असिस्टेंट हेडमिस्ट्रेस फॉर प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी स्कूल, डिप्यूटी हेड एंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, असिस्टेंट आईटी मैनेजर, ये सबसे रिक्वायरमेंट है दोस्तों, ठीक है। कम्पिटिटिव कम्पनसेशन पैकेज ऑन द लाइन्स ऑफ 7th पे कमीशन रिकमेंडेशंस यहाँ पे बोला गया है दोस्तों। एकोमोडेशन के बारे में कुछ बोला नहीं गया है दोस्तों, बट एचआर शायद दिया जाएगा। अलाउंसेस बहुत ही अच्छी होती है दोस्तों रिलायंस फाउंडेशन स्कूल में। तो www.rfs.edu.in पर जाकर के कोपर खायरन करियर्स पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। मैं एक वीडियो बना दूंगी रिलायंस फाउंडेशन स्कूल पे, आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ऑनलाइन अप्लाई करना यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अदर्स जो प्राइवेट मैक्सिमम स्कूल्स, छोटा छोटा स्कूल्स होता है दोस्तों, वहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर वर्कलोड सैलरी नहीं मिलती है दोस्तों, परमानेंसी नहीं मिलता है। बट रिलायंस फाउंडेशन स्कूल, डीवी, डीएवी, डीपीएस एंड अदर्स जो भी मैंने कहा है, वहाँ पे परमानेंसी दिया जाता है 2-3 ईयर्स के बाद। बट कुछ कुछ स्कूलों में पॉलिटिक्स होता है दोस्तों, कुछ कुछ स्कूलों में स्कैम होता है। तो बट प्लीज़ कीप द पॉजिटिव अटेंशन टुवर्ड्स योर वर्क। कुछ कुछ स्कूलों में नेगेटिविटीज होता है, ये बहुत सारा कमेंट्स मुझे आता है, बट कीप पॉजिटिव कमेंट्स टू मोटिवेट द अदर कैंडिडेट्स, ठीक है दोस्तों। जुड़े रहिएगा ज़रूर, अप्लाई करते रहिएगा हर एक स्कूल्स के लिए। टेलीफोन नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, 7th पे कमीशन्स के हिसाब से यहाँ पे आप लोगों को सैलरी मिलेगी एंड अदर्स अलाउंसेस भी दिया जाता है रिलायंस फाउंडेशन स्कूल में। नेक्स्ट जो डिटेल्स आई हुई है दोस्तों, द असेंबली ऑफ गॉड चर्च स्कूल से है, रांची रोड पुरुलिया से है। द असेंबली ऑफ गॉड चर्च स्कूल पुरुलिया से रिक्वायरमेंट है दोस्तों पीजीटी हिस्ट्री के लिए। अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहो, बायोडाटा एंड कॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल्स आप लोग सेंड कर सकते हो विद अ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद इन 7 डेज, बोला गया है टू द प्रिंसिपल। द असेंबली ऑफ गॉड चर्च स्कूल रांची रोड पुरुलिया, इसका लोकेशन हो जाएगी। अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी के, सॉरी पीजीटी ज्योग्राफी, सॉरी पीजीटी हिस्ट्री के लिए अगर इंटरेस्टेड रहो तो आप लोग सेंड कर सकते हो बायोडाटा एंड अदर क्रेडेंशियल्स विद अ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद इन 7 डेज, आप लोगों को सेंड करनी पड़ेगी स्कूल में जाकर के, आप लोगों को सबमिट करनी पड़ेगी दोस्तों। नेक्स्ट जो डिटेल्स आई हुई है दोस्तों, रिपीट हुआ है न्यूज़पेपर पे, सेंट थॉमस पब्लिक स्कूल से रिकॉमेंड है। सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल है, पुखुड़िया, ताजपुर ग्राम, हल्दीपोल, जयराम बाटी रोड, हुगली, वेस्ट बंगाल की वैकेंसी है। www.stpsk.in पर जाकर के आप लोग सारी डिटेल्स चेक कर सकते हो। ईमेल आईडी नोट कर लीजिएगा आप लोग,
डिजिटी इंग्लिश के लिए रिकॉमेंड है। यहाँ पे आप लोगों को फूड एंड एकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, सैलरी कम्यूनसीट बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बोला गया है। 2 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है दोस्तों। अगर आप लोगों के पास नहीं भी है फिर भी आप लोग अप्लाई करके रखिएगा, कभी कभी चांसेस दिया जाता है दोस्तों। विद इन 7 डेज आप लोग CV सेंड कर सकते हो दोस्तों, विद कवर लेटर इंक्लूडिंग योर कवर लेटर एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप लोग ज़रूर वहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे फूड एंड एकोमोडेशन भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। आप लोगों का ही प्रीफर्ड स्टेट से वैकेंसी है दोस्तों, हुगली वेस्ट बंगाल से। अगर इंटरेस्टेड रहो तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट जो वैकेंसी है दोस्तों, पारा गर्ल्स हाई स्कूल से है, पारा पुरुलिया से वैकेंसी की डिटेल्स आई हुई है। वांटेड एन असिस्टेंट वार्डन फीमेल फॉर KGBV 3 हॉस्टल अंडर पारा गर्ल्स हाई स्कूल एज कंट्रेक्चुअल बेसिस यहाँ पे रखा जाएगा। ग्रेजुएशन आप लोगों का होनी चाहिए। कंप्यूटर आर्ट एंड क्राफ्ट म्यूजिक फर्स्ट एड सर्टिफिकेट विल बी प्रेफरेबल। अगर आप लोगों के पास ये सब कुछ भी कोई भी एक सर्टिफिकेट आप लोगों के पास है तो ज़्यादा प्रेफरेंसेस मिलेगी, बट मैंडेटरी नहीं है दोस्तों, ग्रेजुएशन होने से ही आप लोग अप्लाई कर सकोगे। विलिंग कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अपीयर बिफोर द सिलेक्शन कमिटी विद ऑल ओरिजिनल एंड जेरोक्स कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट विद इन 21 अगस्त 2024 सुबह 11 बजे के अंदर ही आप लोगों को यहाँ पे जाकर के सारा डिटेल्स सबमिट करनी पड़ेगी एंड इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर्ड होनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि 11 बजे से ही वहाँ पे इंटरव्यू शुरू हो जाएगी KGBV हॉस्टल प्रेमिसेस में, ठीक है। तो अगर इंटरेस्टेड रहो तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा दोस्तों। एंड वीडियो का कंटेंट आप लोगों के लिए अगर हेल्पफुल रहे तो ज़रूर एक छोटा सा फीडबैक दीजिएगा दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।